Welcome to my KZE Vlogs. Assalamualaikum friends, welcome back to my another video. तो friends कैसे हैं आप सब लोग? फिर से welcome है आपका मेरे kitchen में. तो आपको बताते चलो, सुबह से मुझे मौका ही नहीं मिला video को बनाने का. तो अब थोड़ा सा मैंने time मुझे मिला है थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने viewers के लिए video बना ली जाए. आज मैं सुबह से जो है लगी हुई थी गोश्त को निकालने में, उसको वॉश करने में, उसको काटने में. हशर बुरा हो गया है यार. ये जो सारी मेरी मैसी सी हालत है ना, वो इसीलिए हो रही है कि यार आज बहुत बुरी तरह आपकी बहन थक गई है. और अभी भी हमारा आधा काम जो है वो बाकी है. रात को मैंने फ्रिज बंद कर दिया था क्योंकि सारा का सारा मीट जो था वो बुरे तरीके से जमा हुआ था. जो हमारी खवातीन हैं उनको बहुत बेहतर पता होगा कि क्या हुआ होगा मेरे साथ भी. तो हमने पूरी रात मैंने फ्रिज को छोड़ा है वैसे ही बंद करके, सुबह उठ के सारा मीट निकाला. इतना सारा मीट निकाल कर फिर उसको मैंने रखा, फिर वो डिफ्रॉस्ट किया, उसके बाद फिर उसमें से मैंने अच्छी अच्छी बोटियाँ निकाली, फिर उसको मैंने कबाब के लिए फाइनली अच्छी बोटियाँ निकाल के मैंने कबाब के लिए उसको कट किया. मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ये काम किया. मुझे इतनी मम्मा की याद आई ना जिसकी कोई हद नहीं यार. हशर बुरा हो गया, मतलब के हाथों में छाले तक पड़ गए. मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ के अंदर जो है ना मीट को हाथ लगाया और उसको काटा है, इस तरह से चीज़ें की हैं. इससे पहले मैंने लाइफ में अपने कभी भी ये चीज़ नहीं की थी. ये एक्सपीरियंस भी होना था तो आज हो गया. और अभी भी जो है मेरा सारा मीट मैंने फ्रिज में नहीं डाला, अभी भी थोड़ा सा रहता है. यहाँ मैं थक गई और इसकी स्मेल, ये भी यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा मीट जो है वो पड़ा हुआ है. अब इसको भी रखना है. मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ यार. पागल हो गई हूँ आज तो, इतना थक गई हूँ ना कि मैं आपको क्या बताऊँ. मैंने सोचा कि यार आज की वीडियो बनानी तो बनती है. तो ये देखें ज़रा मेरा फिंगर, इस पर मे भी आप लोगों को नज़र आ रहा हो, छाले भी आ गए क्योंकि मैं ये वाली फिंगर्स ज़्यादा उसको नाइफ को इस्तेमाल करते हैं ना, ये वाली. तो इससे मैं उसको प्रेस कर रही थी और ये मेरे हाथ के ऊपर छाले भी हो गए. तो ये होता है. तभी अम्मा कहती थी बेटा कर लो सारे नखरे, पता चलेगा तुमको. और अब पता चल रहा है बाकी. तो बहरहाल सुबह से लगे 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 मेरी हालत बुरी हो गई है. बहुत बुरा हशर हो गया. स्टिल लगी हुई थी गोश्त काटना, ये वो सारी चीज़ें करने के बाद. तो बस सुबह से लगे लगे हाल हो चुका है बुरा. मैं कोई दोपहर 3 बजे से ना ये काम करने में लगी हुई हूँ और मैं अभी तक फ्री नहीं हुई हूँ. 7:30 बज गए और जो है ना खाया हुआ भी मैंने कुछ नहीं. सुबह मैंने नाश्ता किया था और आज मैंने ज़्यादा अर्ली किया था. तो बस जब से इसमें लगी हुई हूँ हाल बुरा हो गया है भाई. और अभी भी पूरा काम नहीं हुआ मेरा. अभी कबाब का मसाला भी बन रहा है, अभी भरा नहीं है. कब से मैंने चढ़ाया, बस के साथ मैंने जो है खाना भी पका लिया था. तो आज मैंने बनाया गोश्त आलू मैंने बना लिया साथ में. और ये मेरा जो ना कबाबों का मसाला चढ़ा हुआ है वो भी बन रहा है. ये जैसे ही होता है तो फिर इसकी सारी मिक्सिंग और फिर उसके कबाब बनाना और फिर बाकी जो सारी फर्दर चीज़ें होती हैं वो सब करनी है. अब इतना बुरा हाल हो गया ना कि मैं क्या बताऊँ. और हाथों की माशाल्लाह मेरे ऐसी हालत हो गई है, इतने वॉश करने के बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना इनमें से अभी भी मीट की स्मेल आ रही हो बहुत ज़्यादा. अब पूरे तरीके से जो ना हाथों को मैनीक्योर की ज़रूरत है, बहुत बुरी हालत हो चुकी है. तो बहुत ही बुरी हाथों की हालत हो गई है. बस ये मेरा कबाब का मसाला जो है मुझे लग रहा है कि ये हो गया. मैं इसको इससे मैश करूँगी, उसके बाद फिर इसकी सारी मिक्सिंग और फर्दर बाकी सारी चीज़ें. सोच रही हूँ अब खाना खा लूँ पहले, क्या करूँ. तो देखते हैं क्या होता है, क्या करते हैं आज. ये भी बनाना एक अजाब का काम है, मुश्किल है ना यार. इतना इतना मेहनत वाला काम है जिसकी कोई हद नहीं. ऊपर से हाथ में हो जाए जब आपके छाले और आपके हाथों की हो जाए ऐसी की तैसी, मतलब जो है ना हाथों की हो चुकी है बहुत अच्छे तरीके से. इसको पक्का पक्का ना मैनीक्योर चाहिए. अब इस करवाएंगे मैनीक्योर. चलो एटलीस्ट मेरा कबाब बन गया यार. एक प्रेशर था दिमाग पर ना वो, जिसको आप कहते हैं यार बनाए नहीं. आज फाइनली बन ही जाएंगे इंशाल्लाह. तो बस चलें फिर मैं अपना ये मैश करती हूँ जल्दी से, ताकि फिर मैं आगे का प्रोसेस जो है वो करूँ. तो दोस्तों हमने मसाले को अपना मैश कर लिया है, वो कर करके हशर बुरा हो गया. और फिंगर के ऊपर तो छाला था ही, ये हो गया. और अब ये जो है थंब के ऊपर भी छाला बन रहा है. और ऊपर से गर्मी पसीने से हालत बुरी हो गई है. मैं तो थक गई इसको कर करके. हाथों में इतना दर्द हो रहा है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ. तो मैंने सोचा यार बस अब मैं जाऊँ थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं इनको प्रॉपरली बनाना शुरू करूँगी और बाकी बना के मैं फ्रिज में डाल दूँगी.
कुछ खाती हूँ पीती हूँ, भूख से हाल बुरा हुआ है। रात होती है, रात के 8:30 बज रहे हैं और मैं इसमें लगी हूँ, लगे लगे पूरा दिन जो है ना ऐसे ही तबाह बर्बाद हो गया। और ऊपर से मेरे हाथों का जो है ना बेड़ा गर्क हो गया, ये देखिए कितना क्लियरली नज़र आ रहा है ये वाला छाला, और अब ये वाला भी बहुत पेन हो रहा है इसके अंदर। अब ये पता नहीं कब तक रहेगा इस तरह से, खाने पीने में मसला होगा कि आप जाहिर है जब खा रहे होते हैं तो। चलें देखते हैं क्या करते हैं, फिलहाल बाय बाय थोड़ी देर के लिए भाई, मैं आती हूँ थोड़ी देर में वापस। फ्रेंड्स हम थोड़ा सा चिल करने के लिए आके बैठे हैं, थकन से बहुत बुरी हालत हो गई है, हाथ में इतना पेन हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं, पूरे ये वाला साइड जो है ना वो बहुत दर्द कर रहा है। तो जो है मैंने सोचा कि यार थोड़ी देर बैठती हूँ, रिलैक्स करती हूँ, नींद भी आने लगी तो जो है चाय पीते हैं, अपनी आँखें खोलते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, फिर उठते हैं, अपने कबाब बनाते हैं और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे और फिर आपसे बाय बाय करेंगे और ताकि हम सो जाएंगे आज, सही है ना। खरा होगा आपको मेरा हाथ ये साइड से ना सारा रेड हुआ हुआ, ये वाला ये राइट हैंड है, वो मैं लेफ्ट हैंड से दिखा रही थी, ये मेरा राइट हैंड है, ये आपको ये वाला पोर्शन सारा जो दिख रहा होगा, और ये मेरी फिंगर टिप्स जो पिंक पिंक हो रही हैं, रेड रेड हो रही हैं, यहाँ सारा इतने बुरे तरीके से वो उसको क्या कहते हैं मैश करने से जो ना उसका जो मैशर होता है उसको पकड़ के उसका जो हैंडल होता है ना उससे ये सारा हाथ का मेरे हशर हुआ है। और बहुत तकलीफ़ हो रही है यार, अब उठाया भी नहीं जा रहा, ऊपर से ये जो छाले हाथों पे बन गए हैं वो अलग ही का अजीब मजाक हो गया यार। अब ये मेरी ज़िंदगी का ना पहला और आखिरी इतना इम्पोर्टेंट काम करना जो था ना, ये मेरा फर्स्ट और लास्ट टाइम था लाइफ में, आइंदा मैं नहीं करूँगी क्योंकि यार ये सारी चीज़ें मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनी ये इतना ज़्यादा मेहनत का काम मुझसे नहीं होने वाला भाई, इतनी मेहनत की है यार, असर हो गया पूरा। ऊपर से हाथ की हालत ऐसी हो रही है तो फिर तो आपको कुछ करने का दिल ही नहीं चाहता, तो बस फिर भाई रहने दो। अभी मैंने बना ली, आइंदा नहीं बनाने वाली मैं तो, मैं अपनी चाय लेके बैठी हूँ, खाना मैंने खा लिया था, मैं चाय अपनी ख़त्म करती हूँ, उसके बाद फिर किचन में जाते हैं, किचन की शक्ल देखते हैं और अपना आखिरी काम करके जान छुड़ाते हैं अपनी। फ्रेंड्स फाइनली मेरे कबाब जो है वो तैयार हो चुके हैं यार, हाथों का कसम से बहुत बुरा बेड़ा हरा हुआ, इतनी ज़्यादा जलन मच रही है ना, मैंने अभी मैंने वॉश किए हैं तो ये मेरे कबाब जो है वो रेडी हो चुके हैं। शुक्र है इनकी वजह से मुझे इतना परेशानी का सामना करना पड़ा है यार, कसम से हद हो गई। तो बस फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे दूसरी वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अपनी इस बहन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। गुड बाय माय फ्रेंड्स, टेक केयर, आई अपलोड न्यू वीडियो टुमारो, सपोर्ट मी गाइस।